कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और हम भी एकदम वेल एंड गुड हैं। सो, अभी हम निकले हैं घर से, मतलब अभी हम रुके हैं मौसी के यहाँ पे, क्योंकि आज हम जा रहे हैं अपने जो गांव का मंदिर है वहाँ पे जा रहे हैं। पापा ने सोचा थोड़ा दर्शन करके आ जाते हैं, तो अभी निकलेंगे हम, थोड़ी देर में आएंगे हम मौसी के यहाँ पे, क्योंकि आज मौसी के यहाँ पे पार्टी है। और यहाँ का व्यू मुझे इतना सुंदर लगा ना, तो मैंने सोचा चलो व्लॉगिंग की वीडियो मैं यहीं से स्टार्ट कर लेती हूँ। और ये देखो इतना सुंदर व्यू है ना, मतलब तो पेड़ ही पेड़, और इतना मतलब ठंडा भी है, मतलब नीचे राय वाले में तो बहुत गर्मी है, यहाँ पे ना बहुत ठंडा है। धूप है लेकिन ना मतलब धूप नहीं लग रही, अच्छा लग रहा है, हवा भी चल रही है। ये देखिए आप, और वहाँ नीचे बंदर खेल रहे हैं, वो दिख नहीं रहे बंदर। बोल दिया था मैंने सुबह, हाँ मेरे का मंदिर जा रहा है इनका, सो अभी हम जा रहे हैं मंदिर, और हमारे साथ जा रही है मीना। मीना और मैं नीचे आ जाएंगे, मम्मी और पापा वहीं रहे, क्योंकि मम्मी और पापा को जाना है कल कहीं काम से जाना है, तो इसीलिए तो अभी हम यहाँ से जाएंगे, आपको भी लेके चलते हैं अपने गाँव के मंदिर। और अक्षु को देखो कहाँ, और ये देखिए यहाँ पे नयन नगर में इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाई गई है। उड़ार के ताजे आई नहीं, हम पहुंच गए हैं अपने गांव के मंदिर, और अक्षय तो गाड़ी में ही सो गया था क्योंकि अक्षय आज सुबह भी जल्दी उठ गया था इस वजह से, बट मुझे लग रहा है उठ रहा है। तो मम्मी लोग नहीं, पापा गए हैं अभी चाबी लेने के लिए, और मम्मी और मीना गए हैं, पता नहीं कहाँ गए हैं, ये नीचे गए हैं कहीं, तो ये दिखाते हैं, मैं भी दिखाती हूँ आपको ये अपना छोटा सा मंदिर। और ये देखिए ना पूरे पहाड़ों के बीचों बीच है, ये यहाँ पे बैठने का बना रखा है, ये देखो ये झूला, और ये बहुत पुराना है, बहुत ज़्यादा पुराना। और ये रहा हमारे गांव का नरसिंह देवता मंदिर, ये देखिए पूरे पहाड़ों के बीचों बीच ये मंदिर है। सो अभी मम्मी लोग लेके आए हैं ठंडा ठंडा पानी, और बहुत टेस्टी पानी है, पानी भी टेस्टी होता है। और ये झाड़ू लेके आए, मतलब झाड़ू बनाया है, पहले यहाँ पे थोड़ा झाड़ू मारेंगे, उसके बाद थोड़ा धूपबत्ती वगैरह जलाएंगे। और ये देखो आप भी यहाँ पे ना, हमारे सारे हमारे गांव के बच्चे आ गए, और चुटकू भी उनके साथ है। चुटकू आ गया, कितने साल का ये? ये 3 साल का। अच्छा 3 साल का है, अच्छा हेलो। अक्षु खुश हो गया मेरे साथ खा गया, अच्छे खुशी होते। अरे अरे कौन है भैया, क्या नाम है इसका? इसका नाम लकी है। अच्छा घर में लकी बोल लो, 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 लो। ये मम्मी यहाँ पे प्रसाद दे रही है, मम्मी थोड़ी यार ना रही है। झूला 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 झूला।
और इस झूले में झूला खेलना बहुत शुभ माना जाता है। आप जाओ ना। सो अभी निकल रहे हैं हम घर को, मम्मी लोग तो यहीं रहेंगे। और देखो मैं आपको ना एक पेड़ दिखाती हूँ जो बहुत डेंजर लग रहा है, और पूरा ना एक ही पेड़ है, ऐसा नहीं दिख रहा होगा ना। ये देखो ये ना पूरा एक ही पेड़ है यहाँ नीचे से, और ये पूरा ऐसे फैला हुआ है। ये देखो मतलब अगर सांप वाँप भी आ गया ना इसके ऊपर तो पता ही नहीं लगेगा। इसके सारे पत्ते ऐसे निकल रखे हैं ये देखो। और अभी तो ये रास्ता काफ़ी अच्छा कर दिया है यहाँ पे, पहले ना बहुत बेकार था। तो चलिए अभी चलते हैं, मम्मी लोग चले गए ऊपर। ये देखिए यहाँ पे रोड भी इतनी बेकार हो रखी है, और ये मेन रोड ताजलासन है 3 किलोमीटर ऊपर है। तो अभी चलते हैं घर को। सो यहाँ पे ये चाय बन रही है। पतीले को देख के तो लग रहा होगा कि मैं मतलब कहाँ बना रही हूँ ये चाय। चाचा जी ने बोला है थोड़ा दूध ज़्यादा ही डालना। वीडियो में दिख जाएगा ना मैंने कितना सारा दूध डाला है। सो फ्रेंड अभी हम आए हैं क्योंकि मम्मी और पापा को छोड़ना था हमें बेमर। बेमर मतलब जस्ट मंदिर से थोड़ा मतलब पास ही था, तो मम्मी लोगों ने बोला हमें छोड़ दो। तो यहाँ पे है चाचा जी की दुकान है, मेन रोड पे ही चाचा जी की दुकान है। तो फिर मम्मी ने कहा निशु तू ही बना दे चाय, तो बस मैं चाय बना रही हूँ जस्ट, और मैंने इतना सारा दूध डाल दिया। और ये देखा छोटी सी दुकान है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सामान रखा हुआ है, सब चाय के लिए वेट कर रहे हैं। और अभी ना बहुत तेज हवा चलने लगी है यहाँ पे, और ये देखे जो हमारी मेन रोड पे शॉप है ना यहाँ पे, तो कोई भी इस रोड पे इस रोड से चाय कर तो यहाँ से सामान जरूर लेना, ठीक है, यहीं पे रुकना। और ये घर जाते जाते पूरा सनसेट हो गया, थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी होने लग गया, बट हम टाइम से घर पहुँच गए।